हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इस टाइप के इंस्टाग्राम क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करेंगे। सो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने मॉडल को कर लेंगे चूज। टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको करते हैं इंस्टा पोर्ट्रेट पे क्रॉप। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इस पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। हार्डनेस को कर लेते हैं फुल। इधर कर लेते हैं इसको इरेज। हाथ पे भी इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाला आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको कर लेते हैं नीचे सेट। इसको थोड़ा छोटा करके नीचे कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद इसको ऊपर कर लेते हैं सेट। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद सिंपली टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं एडजस्ट। एडजस्ट में आने के बाद सेचुरेशन को कर लेते हैं लो। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं इरेज। साइज को हल्का कम कर देते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं इरेज। मैं इसको जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ, आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं इरेज। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो रजिस्टर करके रेडी हो चुका है। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद सिंपली हम ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। उसके बाद ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन करेंगे और अपने मॉडल को कर लेंगे चूज। मॉडल को चूज करने के बाद इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट पे। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद सिलेक्टिव वाले आइकन पे क्लिक करके फेस पे थोड़ा सा इसको कर देते हैं लाइट। कपड़े पे भी इसको लाइट कर देते हैं। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद लेंस ब्लर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको साइड साइड में ब्लर थोड़ा कर लेते हैं हल्का। इसके बाद इसको साइड साइड में ब्लर कर लेते हैं हल्का। इधर कर लेते हैं डन। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।